असमिया में लिखने का निर्णय कब लिया, मतलब असमिया में ही लिखा? मैं पढ़ने गया था शिलांग, शिलांग में पढ़ने के टाइम में मैं मेरा जो फैमिली के जो आर्थिक अवस्था वो अच्छा नहीं था, इसलिए मैं नौकरी ढूंढा और नौकरी लेकर मैं अपार असम में, असम के जो जोरहाट जिला है, जोरहाट शहर है, उसी में मैं पहले किया और वहीं पे मैं असमिया भाषा के साथ संपर्क किया। और असमिया भाषा में जो मधुरता है उसको मैं चुना और उधर में मैं असमिया भाषा में लिखन शुरू किया है। इसके पहले मैं बंगला में लिखन शुरुआत किया था, लेकिन वहीं पर जाकर मैं असमिया भाषा के साथ संपर्क जुड़ा और असमिया भाषा से मेरा संपर्क हुआ। लेकिन मैं जहाँ मेरा अंदर में जो अनुभव है वो भाषा के साथ, भाषा एक माध्यम है, मैं जहीं पर जाऊँ तो उसी भाषा के साथ मेरा संपर्क होना चाहिए और मैं उसी भाषा से साहित्य चर्चा करना चाहता हूँ। मैं साउथ अफ्रीका में जन्म लेने से मेरा वहीं की भाषा के साथ मेरा संपर्क होता, तो मैं उसी भाषा के माध्यम करके मैं मेरा क्रिएटिविटी बढ़ाता। ये जब सबसे पहली आपकी कविता किस पत्रिका में छपी थी? सबसे पहले मैं पेन फ्रेंड क्लब के मैगजीन है उसमें मेरा बंगला कविता छपा हुआ था। और शिलंग में पढ़ने के टाइम में मैं शिलंग के धूप के बारे में एक कविता लिखा था, वही क्योंकि शिलंग में धूप ज़्यादा दिखाई नहीं जाती, जब दिखाई जाती है तो आदमी लोग आनंद से उसको सादर प्रार्थना करते हैं, इसीलिए मैं उस बारे में उसी धूप के बारे में एक कविता लिखा था, वो छपा हुआ था विश्वविद्यालय संग्रह, वो जो पेन फ्रेंड क्लब है उसके मैगजीन। उसके बाद मैं असमिया भाषा में, उसके बाद मैं लिटिल मैगजीन में बेंगली, कुछ बेंगली लिटिल मैगजीन में लिखा है, मेरा कोई बेंगली संकलन में भी अंतर्भुक्त हुआ है मेरा कविता, लेकिन जोरहाट जाने के बाद मैं बेंगली में लिखना छोड़ दिया। तो असमिया में कब से शुरू, कहाँ छपा? असमिया में 70 दशक में मैं जोरहाट जब गया तब कनक मैगजीन में मेरा एक पुरस्कार प्राप्त कविता छपा। कॉलेज में मैं दो भाषा के लिए कविता लिखा था, बंगाली और असमिया, और दोनों में फर्स्ट हुआ था, तो वही कविता दोनों ही वही कॉलेज मैगजीन में छपा हुआ था। इसके बाद डॉक्टर नगेन सिंह का संपादित इस बार फेलोशिप मिला है साहित्य का, उन्होंने जो लिटिल मैगजीन एडिट करते थे साम्प्रति, उसी में मैं जहाँ रहता था वही किराए घर के एक लड़की ने मेरा कविता लेकर सार को दिखाया और सार ने उसको छपाया। उसका कविता का नाम था संचय, तो संचय के लास्ट लाइन उन्होंने थोड़ा एडिट किया, वो मेरे बहुत काम में आया। मैं सोचा कि ऐसे लिखना चाहिए, तो सार ने मुझे बहुत मदद किया और उन्होंने